खबर नागपुर से है। नागपुर के अंबाझरी स्थित वाटर पार्क क्रेजी कैसल में पिकनिक मनाने गए दो युवकों की कृत्रिम समंदर में डूबने से मौत हो गई। यह घटना रविवार को दोपहर में घटी। इस घटना के बाद शहर के दो छात्रों की मौत होने से नागरिकों में काफ़ी रोष है। रोष का कारण यह बताया गया कि वाटर पार्क क्रेजी कैसल के संचालकों के गलती के कारण यह हादसा हुआ है। ऐसा आरोप परिजन और नागरिकों ने किया है। इस घटना के विरोध में आज बुधवार को शहर में बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया। इस घटना में लिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग इस कैंडल मार्च के द्वारा की गई। यह कैंडल मार्च मृतक अक्षय बिंड इनके निवास गांधी चौक से कोतवाली पुलिस थाने तक ले जाया गया। इस मार्च में असंख्य महिला युवतियाँ युवक छात्र छात्राएं गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपीला अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आरोपीला अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। जिस दिन जो कुछ हुआ उसमें मैं मौजूद था। उस समय जो हादसा हुआ उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था। उनके होते हुए जैसा कि वहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले एक लेडीज़ थी जो स्विमिंग पूल में जो वेव के कारण अनबैलेंस हो गए, तब भी उन्होंने वेव बंद नहीं किया वहाँ पे, और रस्सी फेंकने के बावजूद भी वहाँ पे वेव मशीन बंद करने में नहीं आई, और ना ही उनका क्रेजी कैस्टल का कोई भी लड़का उनकी मदद करने में नहीं आया। उसके बाद में मेरा फ्रेंड स्नेहल मुटगरे जो अभी एडमिट था उसको हमने बचाया। उसको निकालने के बाद भी उन्होंने वेव मशीन बंद नहीं की थी। फिर जैसे ही मैंने स्नेहल मुटगरे को बाहर निकाला तो बॉडी गार्ड ने उन्होंने कोई सहायता नहीं की, उसको थोड़ी दूर लेने के हमने उसका चेस्ट पे पंपिंग किए और पीठ से, तो जब उसको पानी निकला और उसको होश आया थोड़ा, फिर हमने उसको फर्स्ट एड रूम में ले जाते हुए उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किए। वहाँ पे ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं थी। वो खुद बोल रहे थे कि तुम उसके लिए OSR लेके आओ, ORS पाउडर लेके आओ और कुछ ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही मैं उनको लिए कुछ लेने के लिए गया और वापस आता, मेरा फ्रेंड सागर वो वही था, तो उसको देखते हुए उसने वही दम तोड़ दिया। और इन सब होते हुए उन्होंने कुछ भी ऐसी मदद नहीं की, ना वहाँ पे एम्बुलेंस थी। हमारे फ्रेंड ने वहाँ पे ऑटो करके हम उसको हॉस्पिटल लेके गए और उनकी ऐसा कुछ मदद उन्होंने की नहीं। त्याच्या केस आणि रिपोर्टवरती 4 दिवस झालेले आहे, अजूनपर्यंत त्याची FIR काय होत नाही आहे, इतका डिले का होतो आहे। आमच्या गोष्टीसाठी आम्हाला याचा न्याय पाहिजे आहे आणि याचं उत्तर पाहिजे आहे की इतका डिले का होतो आहे। कारण इथे छोट्यातली छोटी जर गोष्ट घडली किंवा इथे आपली गाडी ठोकल्या गेली तर तुम्ही तिथलं चालन तेव्हाच्या तेव्हा मागता किंवा FIR तुम्ही दर्ज करायला लावता। पण या मुलाचा जीव जाऊन आणि याच्यासोबत अजून एक मुलगा शास्त्रबुद्धी नावाचा त्याची हत्या झालेली आहे असं म्हणण्यात काही आपल्याला हर्ज नाही आहे। तर या गोष्टीसाठी एवढा विलंब का होतो आहे? आज यांना जाऊन 4 दिवस कंप्लीट होत आलेले आहे पण अजूनपर्यंत याचा इतकूस आपण पुरावा आम्हाला मिळालेला नाही आहे की असं का होतं इतकं डिटेल, म्हणजे इतकं कोणती इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे की इतकं डिटेलमध्ये की या गोष्टीसाठी त्यांना 4 दिवसही कमी पडले। भाई अक्षय बिंड और सागर शस्त्रबुद्धे, ये दोनों नौजवान क्रेजी कैसल में अपने मित्रों के साथ में अपना संडे एंजॉय करने के लिए गए थे और एकाएक वहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जो वहाँ के व्यवस्थापकों की गलती से हुई। उस समय अगर व्यवस्थापकों ने समय पर ध्यान दिया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती, इनके प्राण बचाए जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर ना होने के कारण, फर्स्ट एड ना होने के कारण, एम्बुलेंस ना होने के कारण और वहाँ अनदेखी करने के कारण ये दोनों नौजवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उस पर दंडात्मक कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक दोषियों के विरोध में FIR दर्ज नहीं किया है, वो FIR पुलिस ने दर्ज करना चाहिए और पुलिस ने वो FIR दर्ज करना चाहिए इसलिए बगैर किसी प्रकार का आक्रामक रूप अपनाए हम लोग आज शांति मोर्चे के रूप में, मुख मोर्चे के रूप में कोतवाली पुलिस स्टेशन तक जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे विधायकों ने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम
गुनाहगारों के ऊपर में कठोर से कठोर दंडात्मक कानून की कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में यह जो दुर्घटना हुई है इससे इस परिवार को जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर के उनसे चर्चा करके शासकीय निर्णय के अनुरूप जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस आपदा के समय में इस परिवार को मदद हो सकती है वो मदद दिलाने का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दिया है। इस दुख की घड़ी में सारे लोग इनके साथ में हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख हमारा यह है कि अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और इस कारण इस परिवार को आज रास्ते पर उतर करके अपने साथियों के साथ मूक मोर्चा निकालना पड़ा। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस मूक मोर्चे के पश्चात पुलिस प्रशासन यथाशीघ्र सब पर गुनेह दाखिल करेगा और आरोपियों को कठोर से इंसिडेंस हुआ है संडे को रविवार को उसके विषय में मैं ये उसके फैमिली मेंबर है मैं उनके रिलेटिव हूँ अक्षय बेन उस लड़के का नाम है सागर और सागर सहस्त्रबुद्धे ये दो वो लड़के उस इंसिडेंस में गुजर गए अपना अपनी जान गई ये किस वजह से हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन जो कह सकते हैं आप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या मैं फॉलोअप ले रही हूँ पुलिस स्टेशन में जाके जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक सारी जो प्रोसीजर चल रही है बहुत धीरे धीरे चल रही है जबकि इमीडिएटली ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए तो ऐसे कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि इमीडिएटली एक्शन हो रही है वो कह रहे हैं हमें टाइम लगेगा ये रिपोर्ट फिर उसके बाद में CCTV के जो फुटेज थे वो भी गायब कर दिए हमें CCTV का फुटेज नहीं मिला है अभी तक वो कह रहे कि जनवरी से उनका कैमरा बंद था उनका DVR बंद था ये सब हमें एक्सक्यूजेस मिल रहे हैं कोई पॉजिटिव हमें होप नहीं मिल रही है तो इसीलिए हम लोग ये मार्च निकल रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अक्षय को न्याय मिलना चाहिए इसीलिए ये कैंडल मार्च है ताकि हमारा जो प्रशासन है जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जागरूक हो जाए उनको पता चले कि अभी ये जो पब्लिक ये जो लोगों का जो पावर है वो हम लोग रुकने नहीं वाले आज एक निकाला कल हम दूसरा मार्च निकालेंगे और उन्होंने जल्दी से जल्दी ये इस जो केस में जो भी दोषी है हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ के मैनेजमेंट नहीं कह रहे हमें चाहिए वहाँ का जो ऑनर है उसे पकड़ा जाए और उसे सजा मिले।